नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी लखनऊ के मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डायरेक्टरेट से एक लेटर नोटिस इशू किया गया है आज की तारीख में, और ये नोटिस जो है वो किसको लेकर के है, जो रिसेंट में ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेस के का जो नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर के है। और इसकी लैंग्वेज को हम ब्रीफ कर देते हैं आप सभी लोगों को कि क्या है मैटर, क्या है ये। मैडम ममता चौधरी एंड अदर्स फोर इन्होंने एक रिट डाली है, रिट पिटीशन डाली है, ये नंबर है रिट पिटीशन का, और उसके बारे में कोर्ट का जो है वो ऑर्डर आया है और उसके एक्सेप्ट्स जो हैं वो इस तरीके से हैं। क्या है, क्या कहा है उन्होंने, एक्चुअली जो पेटिशनर हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया था, उन्होंने कहा कि जो यूपी में जो सर्विस रूल्स हैं उसके हिसाब से ऐसे व्यक्ति जो ऐसे मेडिकल स्टाफ जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं उन्हें 15 नंबर जो हैं वो अवॉर्ड किए जाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस रूल के तहत, ठीक है, लेकिन हमें नहीं दिए जा रहे हैं तो प्लीज़ हमें दिलाए जाएं। ये उनकी पिटीशन का मीनिंग था, समझ रहे हो। ये 5 लोगों ने पिटीशन डाली है, लोग काफ़ी हो सकते हैं, और इन्होंने केवल और केवल ये 15 नंबर की जो मीन्स रिलैक्सेशन है या अपने उनका बोनस है उसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी, पिटीशन डाली थी। उसके ऊपर कोर्ट की जो डिसीज़न आया है, इंस्ट्रक्शंस आया है, वो क्या कह रहे हैं कोर्ट को जो कहना है, प्राइमा फेसी कोर्ट को मिला है कि उन्हें प्राइमा फेसी जो है कोर्ट क्या कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको दिया जाना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी उसके अंदर साइलेंट है, समझ में नहीं आ रहे हैं। कोर्ट को प्राइमा फेसी लगता है कि ये मार्क्स जो हैं वो दिए जाने चाहिए, 15 नंबर जो हैं इनको अवॉर्ड किए जाने चाहिए। इस मैटर को कंसिडरेशन यानी मैटर को कंसिडर कर लिया गया है, कंसिडरेशन की ज़रूरत है इसको। All the respondents are granted 4 weeks times to file counter affidavit. अब respondents इसमें कौन है, means यूपी गवर्नमेंट है एक तरीके से, उसका इंस्टीट्यूट है जिसने एग्ज़ाम कराया है, जिन्होंने एग्ज़ाम लिया है, जिनके लिए कराया गया है, वह respondents हैं, और वो उनको कितना समय दिया गया है, 1 महीने का समय दिया गया है, और उसके बाद में 2 weeks दिन आफ्टर इज अलाउड टू द पिटिशनर फॉर फाइलिंग रिजॉइंडर एफिडेविट, और उसके बाद में 2 हफ्ते का टाइम पिटिशनर्स को दिया गया है। नेक्स्ट जो केस की जो लिस्ट किया गया है वो 13 जुलाई को किया गया है। इंट्रीम मेजर में डायरेक्ट किया गया है कि दैट नो अपॉइंटमेंट परसुएंट टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर सो एंड सो, 10 फरवरी की जो एडवर्टाइजमेंट थी इशूड बाई डायरेक्टर संजय गांधी मीन्स SGPGI UP लखनऊ फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स शेल टेक प्लेस अंटिल फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। मतलब साफ है, जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक इस बारे में कोई फर्दर रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं की जाएगी। इससे पूरा साफ है कि SGPGI लखनऊ का जो एडवर्टाइजमेंट है 10-2 का, जिसमें 1974 नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट थी, वो अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया गया, स्टे कर दिया गया है, और इन पोर्ट्स के लिए जब भी कार्रवाई प्रारंभ होगी उसकी सूचना जो है वो ई पोर्टल पर अवेलेबल करा दी जाएगी। और कह दें कि जुलाई तक अब इस मैटर में कुछ भी नहीं होने वाला है, अगले 2 महीने के लिए जो ये मैटर जो है हॉल्ट हो गया है, ये रिक्रूटमेंट जो है वो हॉल्ट हो गई है, और हमारा जो कहना है इस बारे में कि ये 15 नंबर जो है इनको लगभग मिलने ही मिलने हैं, तो मेरिट जो है वो कम्प्लीटली पूरी प्रभावित हो गई है इससे। और सब बच्चों से हमारा जो आग्रह है, अब दूसरे बच्चों से जो इसको आशा लगा के रखे हुए थे इसमें, उनसे हमारा निवेदन है कि आप दूसरी एग्ज़ाम्स में जो कि दूसरी एग्ज़ाम्स आ रही हैं जो मतलब लोअर मेरिट में रह रहे हैं वहाँ पर थोड़ा अपना ध्यान लगाएं ज़्यादा। और ये तो अगर आ जाता है आपके फेवर में तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, क्योंकि इनके 15 नंबर जो हैं बोनस जो नंबर हैं वो मिलने ही मिलने हैं। थैंक यू।